1, 2, 3, 4, go. सारी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, सारी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर अगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा जांगड़े और मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ दिल तक पहुँचाने वाली बात। अगर दिल तक पहुँचे तो बताइए, मैं आज भी तुम्हारे बारे में लिख रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा किसी गजल सा है, जब तुम पलके उठाती हो तो किसी शेर मुकम्मल सा लगता है। तुम्हारे तुम्हारी होठ मक्ते की तरह, जिस पे हक सिर्फ एक शायर का है, और मैं वही शायर बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ में इससे ज्यादा नहीं लिख पाता कि झरने भी प्यासे हो जाते हैं जब तुम अपनी भीगी जुल्फे झटकाती हो। तुम्हारी नाक के बनावट पे भगवानों में आज भी मिसाल कायम है। बहक जाती है वो हवा जो तुम्हारी उंगलियों के बीच से गुजरती है। अगर मेरे दिल की धड़कन की कोई आवाज होती तो वो तुम्हारे बिल्कुल झुमके की कनक की तरह होती। और तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में ब्रह्मांड बसा है, और मैं उसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ। भले ही वो एक सितारा ही सही, जिसकी रोशनी जाने के बाद भी वो तुम्हारे जहनीत में जिंदा रहे। मुझे तारीखें याद नहीं रहती, पर तुम्हारी सारी हरकतें याद है। जैसे तुम सच सबर के किसी आईने के सामने खड़ी होती हो तो खुद को देखने के बहाने तुम मेरी तरफ देखा करती थी एक तारीख की उम्मीद में, जो मैं नहीं करता था। फिर तुम पलट के मुझसे पूछती कि कैसी दिख रही हूं, मैं कहता बहुत खूब। पर ये तुम बिना पूछे नहीं बता सकते, क्यों बताता। सुंदर तो तुम्हें हर कोई कह देता, पर जिस भोलेपन से तुम मुझसे ये सवाल पूछती हो ना, वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। तुम सारी चीजें संभाल के रखती थी, वो मूवी की टिकटें जो हमने साथ में देखी, वो बस की टिकटें जिन्हें लेकर हमने साथ में सफर किया, वो तोहफे जो मैंने तुम्हें दिए, एक आध और टी शर्ट पे रख लेती अगर वो डब्बा बड़ा होता तो। पर मैं कुछ संभाल के नहीं रख पाया, ना उन चीजों को ना तुम्हें। पर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा अपने अंदर समेट के रखा है। अपने मन के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ जी लेता हूँ। तुम्हारा वो बचपना जिसपे मैं आज भी हंस देता हूँ, तुम्हारे वो कहानियां जिनमें आज भी उतने ही गौर से सुनता हूँ। हाँ, तुम्हारे कुछ फैसले हैं जिनके ऊपर मैं आज नाराज हूँ, पर कभी कभार तुम्हारी गोद में सो लेता हूँ, इसी बहाने नींद आ जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश हमारी लकीरों को मैं गांठ पे बांध पाता, उस गांठ पे अपना घर बना लेता। पर जब हमने ये कोशिश की तो बीच में एक इंच का फैसला रह गया, जो हमारी गलतफहमी और गलत फैसलों का था। अब उन्हें भरने में पूरी एक जिंदगी निकल जाएगी। खैर, मैं आज भी तुम्हारे बारे में। जियो यार।